भाई साथियों एक और बेहतरीन मुकाबला मैं लेकर हाजिर हूँ आपके लिए, टकोली कबड्डी टूर्नामेंट। एक तरफ रहने वाली भाई लखावटी मुन्ना लखावटी की टीम है भाई, दूसरी तरफ भाई रहने वाली है हापुड़ की टीम, हापुड़ बनाम लखावटी के बीच में मैच देखने को मिलेगा। और भाई मैं लेके चलता हूँ एक बेहतरीन प्लेयर भाई, लब्बू बैनीपुर। आपने भाई इस खिलाड़ी का दमखम देखा है, जलवा देखा है भाई, गोल कबड्डी में भाई चर्चे रहते हैं इस खिलाड़ी के। हापुड़ बनाम लखावटी के बीच में मैच देखने को मिलेगा भाई, हापुड़ की तरफ से जग्गा आपको देखने को मिलेगा, एक कमाल का मुकाबला देखने को मिलेगा साथियों। भाई टॉस होता हो साथियों, मनीष मुन्ना लखावटी के कैप्टन है। डकोली बुलंदशहर उत्तर प्रदेश कबड्डी टूर्नामेंट का एक मुकाबला भाई, पहला मुकाबला बेहतरीन देखने को मिलेगा साथियों। मुकाबला स्टार्ट होते साथियों, पहली राइड चंद्रेश लखावटी की तरफ से, अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, दोनों टीमें बेहतरीन टीम है, युवा टीम है दोनों। चंद्रेश भाई रनिंग हैंड टच का प्रयास, कोशी का लाम जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें अभिषेक ने दमखम दिखाया था। और ये भाई अभिषेक, ये एक अभिषेक है जिसे हीला भी बोलते भाई, चिठा दादरी का एक खिलाड़ी है मनीष और मुन्ना। दोनों टीम अच्छी टीम है और क्या बेहतरीन प्रयास का कामयाब हो, इतना बड़ा एक पॉइंट और भाई गिफ्ट कर दिया इस खिलाड़ी पर, नजर रहने वाली है, निगाह रहने वाली है इस खिलाड़ी पर, जग्गा सात कार्ड पैस फुल स्क्वाड, क्या भाई क्या गजब है ये, निकाला की मूव देखने को मिला है अभिषेक सात नंबर जर्सी में, सॉरी भाई छह नंबर जर्सी में, छह का स्क्वाड है और अपना स्क्वाड सात का हो जाएगा, एक पॉइंट अर्जित कर लिया है। अच्छी फाइट देखने को मिलेगी, आपको नाम क्या बेहतरीन है इसके भाई, जबरदस्त स्पीड है इस खिलाड़ी की चंद्रेश, दोनों तरफ से भाई कॉर्नर को निशाना बनाया जा रहा है, पहले अभिषेक ने बनाया उसके बाद जग्गा ने बनाया उसके बाद चंद्रेश ने, जग्गा एक बार फिर एक्शन में, जग्गा की स्पीड भाई जबरदस्त है और हर तरह की स्किल है इस खिलाड़ी के पास, चकमा देता है डिफेंस को। सेकंड को भाई दावा किया जा रहा है, दावा किया जा रहा भाई, कसम है वादों का ये दौर है और भाई खारिज कर दिया उस दावे को, मनीष और मुन्ना लखावटी भाई कैप्टन है टीम के। इनामी राशि भाई जरूर छोटी है लेकिन यहाँ पर टीमें बहुत बड़ी बड़ी हैं, सारे मुकाबले आपको हाई वोल्टेज मुकाबले देखने को मिलेंगे, ऐसा ही मुकाबला आपके बीच चलता हुआ, क्या बेहतरीन ये प्रयास है भाई, मैंने आपको बताया हर तरह की स्किल है इस खिलाड़ी के पास, स्कॉर्पियन एक और प्रयास परस्यूट का, मनीष
गांव जिथाका जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का एक खिलाड़ी और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में चलता हुआ टूर्नामेंट पास ही में भाई लव कुमार भैया जो तीन नंबर वालों को पकड़ेगा उसको भैया 500 रुपए ना लो भाई मुन्ना पर 500 रुपए आर्मी वाला जो आर्मी भाई गोल कबड्डी में इस खिलाड़ी के चर्चे हैं झंडी फाड़ में और भाई कैच लगा दी है रवाना ने इधर भी डूबा डायरेक्ट जो जो रनर दे रहा है जो उसे पकड़ेगा उसको 500 रुपए नंबर ले जाएंगे तो 500 रुपए लो भाई किक लगा दी भैया भैया 12 नंबर वाले 500 रुपए इनाम है भाई नंबर पे भी 500 रुपए आप समझ सकते हैं इधर आ भैया टूर्नामेंट की इनामी राशि पर मत जाइए इनाम बहुत है यहाँ पे भाई तालियों से स्वागत कर दो भाई ताली बजाने को भैया पदम पवार साथ में भैया क्या बात है भाई कॉम्बिनेशन टैकल जबरदस्ती गेम दिखा दी टीम अब शेख और बिल्ला दो गेड़े फैंस में सुपर टैकल ऑन क्या ये डिफेंस भाई अब शेख को रोक पाएगा हालांकि भाई जग्गा ऑलराउंडर खिलाड़ी है और यहां भाई जग्गा कोर्ट के अंदर रहेंगे लास्ट खिलाड़ी बचे हुए जगह कभी लेफ्ट में कभी राइट में कभी सेंटर में आपको हर जगह ये खिलाड़ी देखने को मिलेगा भैया और वो उसको ओपन भी कर दिया है फ्री माइंड के लिए कॉम्बिनेशन लगातार दिख रहा है टीम का 11 लो भाई 500 रुपए नाम है क्या बात है भाई सेंटर लाइन पर ये टैकल 21 नंबर आ जाओ 21 नंबर ये वो हस्ती है भाई जो लगातार कैच पर और रेड पर हर रेड और कैच पर भाई 500 रुपए नाम है राशि मिलती हुई क्या बेहतरीन ये प्रयास था भाई जग भाई पॉइंट बता भाई तीन ग्यारह का स्कोर तीन खैर को क्या बेहतरीन है भाई ये खिलाड़ी अद्भुत है भाई ये खिलाड़ी खास है ये आपको लगातार देखने को भैया अगला मैच अटोला दोनों टीम तैयार रहे भैया मुझे लग रहा है भाई ये जो स्कॉर्पियन किक लगाते हैं रनिंग स्कॉर्पियन किक ये कहीं कहीं देखने को मिलती है आपको और कहीं क्या मैंने आज तक कोई जग्गा के पास ही देखने को मिली है बहुत कम ऐसा देखा गया क्या रनिंग स्कॉर्पियन किक में पॉइंट अर्जित करते हैं कार को निशाना बनाते हैं तीसरी बार आज तक मैंने जग्गा को देखा है करते हुए तो भैया 4-11 का स्कोर 7 पॉइंट की लीड जरूर है लखावटी के पास लेकिन हापुड़ जिस तरह की टीम है भाई वापसी करने में माहिर टीम है वापसी कर सकती है सतंदर और ये क्या बेहतरीन प्रयास है भाई राणा को निशाना बना रहे हैं माइक के पास आओ भैया उसके बाद में दादरी अटोला चंद्रेश दादरी वाले को नंबर मिला भैया अच्छा गेम चलता हुआ है भाई 7 का डिफेंस फुल स्क्वाड मुसीबत बढ़ती हुई लखावटी की क्योंकि वापसी कर रही है इस समय हापुड़ की टीम जग्गा डू अडाई का इंतजार है लखावटी की तरफ से कौन आएगा डू अडाई में समय लेते हुए अभिषेक एक बार फिर जिस तरह की लंबाई है भाई हाथ का बखूबी इस्तेमाल करते हैं लगातार आपको कॉर्नर को परेशान करते हुए दिखेंगे मैंने बोला कॉर्नर को परेशान करते हुए दिखेंगे और कर दिया भाई परेशान भैया जो ये रेड दे रहा है नंबर लाएंगे तो इनके 500 रुपए इनाम भैया
क्या बेहतरीन है भाई, ये अद्भुत खिलाड़ी जग्गा भाई 500 रुपए है सर। ये जो स्कॉर्पियन रनिंग स्कॉर्पियन किक लगाई थी भाई, इस पर 500 रुपए का इनाम मिला भाई। ले लिया, ले लिया। भाई नोटों की बारिश है, इनाम पर मची है साथियों। इनामी राशि बेशक कम है लेकिन ऐसा शायद ही आपको देखने को मिले भाई, पकड़ पर भी और पॉइंट पर भी 500 रुपए की इनामी राशियां। कोई भी ले जाए भाई, चाहे रेडर ले लो या डिफेंडर। मुन्ना उर्फ मनीष भाई 3 नंबर जर्सी में खिलाड़ी बल्लेबाज सर की तरफ से लखावटी बनाओ खैरपुर हापुड़ के बीच चलता हुआ मुकाबला। स्कोर की बात करें तो 6-13 का स्कोर है, 7 पॉइंट की लीड में लखावटी। जो शुरू में बढ़त बनाई थी एक समय भाई 11-2 स्कोर था, वहां से वापसी की आपड़ ने और अच्छा काम करके दिखाया। ये कॉम्बिनेशन भाई, ये कॉम्बिनेशन को भाई तोड़ दिया है। एक और बेहतरीन रेड कह सकते हैं आप। स्कोर भाई 8-13 का स्कोर है, 5 पॉइंट की लीड अभी लखावटी के पास है, लेकिन लखावटी जो भाई शुरू में बढ़त ली थी उस बढ़त को बरकरार नहीं रख पाई अभी तक। दर्शकों की बात करें तो आज जन्माष्टमी का दिन में रात्रि के 12 बजे हुए और भाई सबको व्रत भी खोलना है, लेकिन ये मुकाबला इस तरह का चल रहा है ना कि यहाँ से कोई जाने का नाम नहीं ले रहा है भाई। कोई भी दर्शक भाई हिलने का नाम नहीं ले रहा है, जिस तरह से जग्गा काम कर रहे हैं भाई। रनिंग स्कॉर्पियन की जो देखने को मिल रही है ना, वो शायद ही आपको प्रो कबड्डी में भी देखने को मिले लगातार भाई। भाई चूना लगाने में माहिर चंद्रेश लखावटी का भाई होनहार खिलाड़ी है, 12 नंबर जर्सी में। ले भाई इनामी राशि एक बार फिर बढ़ चुकी है भाई, एक कैच पर 1000 रुपए और भाई पॉइंट पर 500 रुपए। दावा जरूर किया जा रहा है भाई, भाई जग्गा एक बार फिर एक्शन में। लो भाई जग्गा रुकने का नाम नहीं ले रहा भाई। इनामों की बौछार है, एक कैच पर 1000 रुपए इनाम है 11000 भाई, क्या बात है भाई। ये भाई खूबसूरती है इस टूर्नामेंट की। लो भाई मार दी कैच, 21 नंबर आ जाओ। लो भाई 1000 रुपए, क्या बात है भाई। एक जितना इनाम भाई फर्स्ट के लिए ना साथियों, इतना इनाम एक मैच में खत्म हो गया भाई। स्कोर की बात करें साथियों, स्कोर बोर्ड पर अंतर हो गया मात्र 1 पॉइंट का, 13-14 स्कोर है, 1 पॉइंट लखावटी के पक्ष में। हालांकि शुरू में भाई 9 पॉइंट से पिछड़ रही थी आपड़, तारीफ करनी होगी आपड़ की, जिस तरह का आपड़ ने गेम दिखाया, वापसी की आपड़ ने, गजब का ये मुकाबला, कमाल का ये गेम चलता हुआ। खैरपुर हापुड़ वर्सेस मुन्ना लखावटी के बीच ये मुकाबला है। मध्यांतर का समय करीब है भाई, पहले आपका फर्स्ट हाफ में भाई 2.5 मिनट का समय शेष है। उसके बाद चंद्रेश के बाद दादरी अटोला, दोनों टीम तैयार रहे भैया। जग्गा भाई कवर में, ये अद्भुत शिकार बनाया, लेफ्ट कॉर्नर को निशाना बनाया। इस बार मुकाबला पड़ा है साथियों 15-5-15 का ये मुकाबला है, अभी सेकंड हाफ पूरा पड़ा हुआ भाई। जगदीश उर्फ जग्गा भाई, ये खिलाड़ी अद्भुत है, ये खिलाड़ी कमाल का भाई, जिस तरह की स्किल है, टेक्निक है, स्पीड है, तारीफ करनी होगी इस खिलाड़ी की। आज 9 पॉइंट से पिछड़ने के बाद अंतर रह गया मात्र 2 पॉइंट का, 13-15 स्कोर। एक ही कॉल आउट दिया दोनों टीमों ने अपने विरोधी टीम को। लो भाई एक और कैच लगा दिया और कैच लगाई है इस बार अभिषेक को। लब्बू भाई
टू अडाई रेड है, टू अडाई रेड है, 14-15 का स्कोर है, एक पॉइंट का अंतर। भैया जो इसको पकड़ेगा उसको 500 रुपया दे, पॉइंट लेंगे तो 500 रुपए। लो भाई एक और 500 की पत्ती, हरी पत्ती लग चुकी है भाई। चाहे भाई पॉइंट लेके आए या पॉइंट देके आए, क्या बात है भाई। रेडर भाई सेल्फ आउट हो गया। चौदह 16 स्कोर। क्या बात है बादल, अभिषेक बादल भैया कॉफी ले आते, एक मिनट एक और पॉइंट भाई अभिषेक के लिए। लास्ट रेड मध्य अंतर का भाई समय करीब है, लास्ट रेड देखने को मिलेगी मध्य अंतर की। स्कोर की बात करें तो 14-17 का स्कोर भाई। स्कोर कितना भैया? 3 पॉइंट समय 14 खैर पर 17 लिखावटी लिखावटी की टीम। हालांकि जो भाई अंतर था शुरूओं से कहीं ना कहीं अच्छे परेशान किया लिखावटी को। दादी डोला मध्य अंतर के समय भाई 14-17 स्कोर। यूट्यूबर योगी ताली से स्वागत कर दो भैया। क्या बात है भाई, बेहतरीन मुकाबला चलता हो भाई। साथियों भाई साथियों मैं लेके चलता हूँ उस हस्ती की तरफ जो भाई इनामों से भाई बौछार कर रही है। इनाम 11,000 टूर्नामेंट में, लेकिन अब तक करीब करीब 20,000 रुपए के आसपास पदम पवार जी भाई। सैदपुर वैसे वीरों की नगरी कहा जाता है, सैनिकों की नगरी। सैदपुर गांव बुलंदशहर से बिलोंग करते हैं पदम पवार, फार्म हाउस है इनका बहुत बड़ा। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद जी पदम जी आपका, आप इन बच्चों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। एक बार फिर लेके चलता हूँ साथियों मैं कोर्ट की तरफ आपको। मुन्ना लखावटी का और फिर एक्शन मोर, क्या बेहतरीन स्लिप लगाई है, बाहर किया भाई राइट कॉर्नर को। सारे आगे आगे मुन्ना लखावटी भाई एक बार फिर एक्शन में और पॉइंट लेकर गए हैं। ये जो मुकाबला चल रहा है ना भाई, इस समय मुकाबला चल रहा है जग्गा और मुन्ना लखावटी के बीच। एक तरफ से जग्गा नहीं रुकने का नाम ले रहे, तो दूसरी तरफ से मुन्ना, क्या बेहतरीन भाई, एक जबरदस्ती गेम चलता हुआ भाई। जग्गा ने भाई एक ही मुकाबले में अपना परचम लहरा दिया है भाई, नाम बना लिया अपना। स्कोर भाई 15-18 है, अंतर अभी भी 3 पॉइंट का है। अभिषेक एक बार फिर एक्शन में, दोनों टीमों की जिस तरह का भी तो मुकाबला चला है भाई, अच्छा मुकाबला दिखा दो, फाइट बेहतरीन करके दिखाइए। ये बड़ी रेड है भाई, 1, 2 या 3, क्या ये सुपर रेड है, बिल्कुल भाई ये क्या नंबर आ जाओ, सुपर रेड है, 3 पॉइंट लगा पूरा लग गया चंदन लग। लो भाई ये सुपर रेड पर अभिषेक के लिए 500 रुपए पवार जी के। जग्गा एक बार फिर से, जग्गा भाई अभिषेक का सपोर्ट मिला, साथ मिला मुन्ना को अभिषेक का, और स्कोर बढ़कर हो गया भाई 15 से एक और पॉइंट, 16-21 स्कोर है, अंतर अभी भी 5 पॉइंट का। मुन्ना इस समय एक्शन में और मुन्ना ने मल्टी पॉइंट ऐड कर दिया, मुकाबला अच्छा चलता हुआ। अगर यहां से भाई मुन्ना इस मुकाबले में वापसी करते हैं, मुन्ना ने तो वापसी कर दिया, लेकिन जग्गा को वापसी करनी होगी। दो रेड दे रहा है, अगर पॉइंट लेके जाएंगे तो 500 रुपए। लो भाई एक और नाम, ये स्किल जबरदस्त है, इस खिलाड़ी की टेक्निक जबरदस्त है, लेकिन भाई ये कैच लगा दिए राणा ने बिल्कुल सेंटर लाइन पर, इसे आप सोलो टैकल बोल सकते हैं साथियों। एक नंबर आ जाओ भैया, लो ये राणा, एक नंबर लखावटी इधर आइए भैया। राणा भाई 500 रुपए, राणा भाई आप से बनाओ मिलता है खिलाड़ी। ये मुकाबला भाई खास होने वाला है, ये भाई चर्चा में रहने वाला है मुकाबला। 17-26 स्कोर। ओ कड़ा कुछ ले ले, ले ले कुछ।
बिल्कुल भाई साथियों, इनामों की बहुत छार है, जितना टूर्नामेंट में इनाम है ना पूरे मित्र, इस मैच में लग गया इनाम, कैच पे भी और रेड पे भी, पकड़ पे भी वही इनाम है और पॉइंट पे भी जगह। एक बार फिर 17-26 स्कोर, बड़ा अंतर हो गया भाई। अब कह सकते हैं थोड़ी राहत की सांस ली होगी लखावटी की टीम ने, हालांकि अभी समय बहुत कम बचा है। ये भाई पावर है इसका, आराम से भाई, आराम से भाई, समय अभी बहुत है, करीब 11 मिनट के आसपास का समय शेष है इस मुकाबले में, लेकिन अंतर धीरे धीरे बढ़ता हुआ। जो बैटरी चार्ज की थी भाई हापुड़ की टीम ने, उसे बरकरार नहीं रख पाई हापुड़। अब शेख और पीला, एक और भाई रनिंग हैंड टच, वन पॉइंट, क्या बेहतरीन ये मुकाबला घटना अभी तक। अंतर बहुत हो गया, 11 पॉइंट का अंतर हो गया यहां से भाई। एक जग्गा ही ऐसे खिलाड़ी जो वापसी करा सकते हैं, एक दो सुपर रेड आकर, ये राना भाई पावर है, बहुत बढ़िया, पीछे का ध्यान नहीं रख पाए रेडर। चंद्रेश अगर भाई जग्गा को उठाते हैं यहां से, क्योंकि स्टैंड में बैठे हुए हैं इस समय 17-29 भैया, तो कुछ हो सकता है, लेकिन जिस जो अंतर है बहुत बढ़ता हुआ। एक खिलाड़ी सेल्फ आउट, राणा भाई सोलो टैकल बहुत कर रहे हैं, दो सोलो टैकल देखने को मिले हैं, हालांकि शुरू में परेशान किया था जग्गा ने राणा को। दो खिलाड़ी कोटवा सुपर टैकल ऑन भैया, दादरी अटोला दोनों टीम तैयार हो ग्राउंड के बीच आ जाएं भैया, दादरी अटोला। चंद्रेश एक बार फिर दो का डिफेंस, सुपर टैकल, क्या अंजाम दे पाई सुपर टैकल को, शंकर जा रही है भाई, विशिल नहीं बजी अभी बात तक, कमाशन चलता हुआ, एक्शन चलता हुआ, लकावटी वर्सेस आपण के बीच जंक्शन थी, चंद्रेश बनाम दो डिफेंडर और सुपर टैकल को अंजाम दे दिया है, कमाल का प्रदर्शन किया भाई, जबरदस्त भाई गेम। टूर्नामेंट हो जाता था जितना रुपया इस मैच में उड़ गया, 500 की पत्ती, बिल्कुल भाई क्या बात है भाई, जग्गा क्या ये सुपर एड है, 1, 2, 3 या 4 दो पॉइंट मिलेंगे भाई, मुन्ना पांच का डिफेंस, और भाई दो खिलाड़ी बचे थे एक समय, एक वो संघर्ष जो दिखाया था सुपर टैकल में, और उसके बाद जग्गा की वो मल्टी पॉइंट रेड। जगदीप और जग्गा भैया, पवन सेठ जी 21-31 स्कोर है, पवन सेठ जी अगर मेरी आवाज सुनने तो माइक के पास है, पवन सेठ जी अंदर 10 पॉइंट का, ये दो स्कोर भी इनके लगा चुके हैं भाई, रनिंग स्कोर भी इनके लगाते हैं, चार का डिफेंस है, मुश्किल पड़ती हुई एक बार फिर लखावटी की, हालांकि अंतर 10 पॉइंट का जरूर है, लेकिन अगर ऑल आउट मिला यहां से तो मुश्किल पड़ेंगी। मुन्ना कैप्टन है लखावटी के और कार्य करके दिखा रहे हैं, एक तरफ से भाई अभिषेक और मुन्ना दोनों पॉइंट अर्जित कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ से एकमात्र रेडर जग्गा चल रहे हैं, और आप थकान देख सकते हैं जग्गा के चेहरे पर, टाइम आउट लिया, टाइम आउट बिल्कुल भाई स्ट्रेटजी बनाने के लिए लिया जाता है, लेकिन यहां कुछ राहत मिलेगी, कुछ जो सांसें उखड़ी हुई हैं उसमें राहत मिलेगी जग्गा को। अंतर भाई 10 पॉइंट का है, 21-31 स्कोर है बोर्ड पर, और जग्गा भाई 11 नंबर जर्सी में, पॉइंट बताओ भाई, 11-21-31 कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, क्या जग्गा पॉइंट अर्जित करेंगे भाई, भैया टाइम कितना है, करीब भाई 7 मिनट के आसपास का समय बचा हुआ है इस मुकाबले में, चार का डिफेंस, क्या भाई बेहतरीन ये बैक होल्डर मनीष,
भैया रेफरी का नहीं मान रहे हो, बैक होल्ड किया है, अगर पैर उठाए तो वन बन जाएगा, लेकिन नहीं जका भाई थोड़ा शरीर हल्का है लेकिन मनी इसके सामने एक और बेहतरीन जब मनीष की अंतर बढ़ता हुआ दस से 12 पॉइंट का अंतर हो गया है, क्या 6 मिनट में यह अंतर काट पाएगी अपड़ की टीम। मुकाबले आपको सारे बेहतरीन देखने को लेके साथियों समय लेना चाहेंगे क्योंकि जानते हैं जो अंतर है वो बहुत ज्यादा हो गया है, एक सुपर टैकल कर चुकी है पहले हापुड़ की टीम, क्या एक और सुपर टैकल, लेकिन नहीं मुन्ना सिर्फ समय काटना चाहेंगे। अब 5 मिनट का समय शेष, मनीष वन वन ईच पॉइंट है इस बार भाई, 5 मिनट का अनाउंस हो गया है, करीब 4.5 मिनट के आसपास का समय शेष इस मुकाबले में और जो अंतर है वो बहुत ज्यादा है, करीब 12-13 पॉइंट के आसपास का अंतर है, लेकिन इस अंतर को काटना अब चुनौती रहने वाली है, पूरी तरह से लखावड़ी डू और डाई पर खेलना चाहेगी हापुड़, यहां से भाई गेम अच्छा दिखा है, अपने आप को भाई साबित करके दिखाया है कि वो भी बड़े टूर्नामेंट की भाई टीम है। बाईस 34 स्कोर, 4 मिनट 12 पॉइंट की लीड, कबड्डी भाई औपचारिकताओं से भरा गेम है, कभी भी यहां वापसी कर सकती है टीम, एक एक रेड में 10-10 पॉइंट अर्जित करते हैं भाई खिलाड़ी, बोनस के बाद राणा का ही कमाल, एक और भाई टैकल देखने को मिला है भैया, अगला मैच अभिषेक दो के डिफेंस में अटोला, दोनों टीम तैयार हैं, कोई टाइम नहीं है तो सुपर टैकल, और एक सुपर टैकल पहले भी कर चुके हैं, क्या एक और को अंजाम दे पाएंगे, लेकिन यहां कुछ और ही मंसों में चल रहे हैं, संघर्ष जारी है, इल्ला का ये कमाल है भाई, इस बार नहीं पिछली बार अभिषेक, पिछली बार भाई चंद्रेश को निशाना बनाया था इसी तरह, लो भाई अभिषेक ये जो रेड की है मल्टी पॉइंट रेड, इस पर फिर से 500 रुपए भाई पवार जी के, क्या बेहतरीन है मंजर साथियों, बाईस 47 भाई मुकाबला अपने अंतिम चरणों में पहुंच चुका है, करीब 3 मिनट के आसपास का समय शेष है, 3 मिनट का समय शेष, सामने से भाई चकमा देने का प्रयास, एक और पॉइंट मिलेगा, बिल्कुल भाई ये मुकाबला समाप्त होने के कगार पर पूरी तरह से, तारीफ करनी होगी भाई जिस तरह का खेल दिखाया है हापुड़ की टीम ने, क्या बात है मल्टी पॉइंट रेड है, पच्चीस 40 लखावटी लीड कर रही है 15 पॉइंट से और अंतिम 2 मिनटों में इस लीड को बरकरार रख पाई लखावटी टीम जिस तरह का गेम दिखा रही है, एक पॉइंट और अर्जित किया है 25-41 लो भाई इससे कह सकते हैं भाई जर्सी उतार टैकल कह सकते हैं भाई इसे आप,
अटोला दोनों अंतिम एक मिनट के आसपास का समय शेष। सिंगल थाई होल्ड एक और इसके साथ ही भाई मुकाबला बिल्कुल अपने अंतिम चरणों में समाप्ति की तरफ क्रॉस ले रखी है भैया इसकी पकड़ पे 500 रुपए 27-41 स्कोर भाई मनीष की स्पीड थी हाँ भैया और 500 रुपए लेके जाए लो भाई लास्ट क्षणों में अंतिम क्षणों में 500 रुपए बना दिए 500 की पत्ती हरी कर दी भाई एक और एम्प्टी रेड भैया टाइम देख ले टाइम कितना रह गया सही बिल्कुल भैया लास्ट रेड देखने को मिलेगी हो सकता है इस मुकाबले की भैया लास्ट रेड है इस मैच की मुकाबला साथियों समाप्त होता हुआ बाजी मारती हुई यहां पर लखावटी टीम लेकिन दिल जीता है लखावटी के साथ साथ भाई इसमें मुन्ना लखावटी विनर रही आप लोग की टीम ने भी थैंक यू धन्यवाद दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद दोस्तों भैया अगले टीम दोनों।